अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लिनिकल मेथड्स प्रिपरेशन के हवाले से। इसके लिए दो बुक्स यूज़ की जाती हैं, एक है बेडसाइड और दूसरी है मिकलॉट्स। मोस्ट कॉमनली बेडसाइड यूज़ की जाती है क्योंकि ये ईजी है थोड़ी और ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, और एक ये है कि प्रैक्टिस भी है कॉमनली, यही सारे पढ़े होते हैं तो पीयर प्रेशर की वजह से भी बहुत ज़्यादा बच्चे बेडसाइड ही यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर आपने सबसे पहले जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करना सीखना है, और रेस्पिरेटरी है, CVS है, CNS है, मोटर सिस्टम है। तो ये सारे जो हैं इसके अंदर बहुत अच्छे से सारा एक्सप्लेन किया गया है पिक्चर्स के साथ और स्टेप्स वाइज। और इसके अलावा इसके अंदर बॉक्सेस भी बने हुए हैं जो कि क्लिनिकली इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया हुआ है। और इसके अलावा जो शॉर्ट केसेस या लॉन्ग केसेस दोनों में जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी जब आप ये बॉक्सेस इसके करते हैं तो वो सॉल्व हो जाते हैं। इट्स अ वेरी गुड बुक। और इसके अलावा ये मेडिसिन में भी हो जाता कवर इसमें। और उसके अलावा जो पीड्स है वो भी जब आप इसके सारे प्रोटोकॉल करते हैं, क्योंकि बेसिकली एग्जामिनेशन प्रोटोकॉल और एग्जामिनेशन सीक्वेंस वो सारा सेम रहता है। थोड़ा बहुत जो डिफरेंस आता है एज वाइज के अडल्ट में और चिल्ड्रन में जो डिफरेंस आता है उसके लिए अलग से एंड पे एक सेक्शन पीडियाट्रिक्स का बना हुआ है। हिस्ट्री के लिए भी इसमें भी शुरू में हिस्ट्री भी दी हुई है, तो हिस्ट्री टेकिंग के लिए भी और जो स्पेसिफिक एग्जामिनेशन डिफरेंसेज हैं और चिल्ड्रन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अलग से एग्जामिनेशन टेक्निक्स और मेथड्स हैं वो इसके अंदर एंड पे पीडियाट्रिक्स के हेडिंग के अंदर दिया गया है। सिमिलर इन द मैकलॉट्स, ये नो डाउट इट्स अ बेटर वन देन द बेडसाइड, मोर क्लिनिकली ओरिएंटेड है। इसमें चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया है और क्लिनिकली ओरिएंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़्यादा बात की गई है। एग्जामिनेशन शुरू में इसके अंदर काफ़ी पहले सिम्टोमेटिक चीज़ों के इसमें डायरेक्टली ये है कि शुरू होते ही जनरली एक आध पेज के बाद ही एग्जामिनेशन शुरू हो जाता है। इसके अंदर पहले ना सिम्टम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बताया गया था कि लाइक अगर CVS हम कर रहे हैं तो इसमें डिजनिया, चेस्ट पेन, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी एक्सप्लेन किया होता है। जब हम खोलते हैं तो हम वो देख रहे होते हैं, 4-5 पेजेस उसमें गुजर जाते हैं, तो हम उस अगर वो पढ़ना शुरू कर दें तो एग्जामिनेशन आने से पहले ही हम थक के तो गिव अप कर जाते हैं। तो अगर आपने इसको पढ़ना है तो डायरेक्ट एग्जामिनेशन पर जाएँ, पढ़ना शुरू करें तो इतनी लेंथी भीड़ नहीं लगेगी। मेनली यही होता है कि शुरू में एग्जामिनेशन आते आते तक थक जाते हैं और फिर छोड़ देते हैं। तो अगर आप एग्जामिनेशन देखें तो इतने लंबे नहीं, क्योंकि बेसिकली तो प्रोटोकॉल सेम है, सीक्वेंस सेम है, एक थोड़ी बहुत चीज़ें ज़्यादा होती हैं। लेकिन इसमें यह है कि एग्जामिनेशन के साथ साथ भी इसकी एक अच्छी बात भी अगर कह लें और नेगेटिव भी, दोनों चीज़ों से देखा जा सकता है एक चीज़ को कि इसमें अंदर फर्ज करें कोई भी बताया गया लाइक स्प्लिंटर हेमरेजेस का बताया तो आगे से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया कि अच्छा ये किस में है और क्या है और सारी इसके सारा बता दिया। और फिर दूसरा हेडिंग आई लाइक इंस्पेक्शन है, इंस्पेक्शन के बाद सारा थोड़ा डिटेल इसमें ज़्यादा है तो हो सकता है स्टेप्स जो हैं वो अगर आप किसी को स्कैटर्ड चीज़ को अगर आप समराइज़ करने में थोड़ी मुश्किल होती है तो शायद ये मुश्किल लगे, लेकिन इसमें यह है कि टू द पॉइंट 1, 2, 3 करके न्यूमरेट करके चीज़ें बताई हैं तो इट्स इजी टू मेमोराइज, इजी टू लर्न। लेकिन अगर आप एक दफ़ा ये कर लेते हैं और इसको बाद में रिवाइज़ करेंगे तो ये भी आसान हो जाएगी, और जो एक्सटेंसिव अगर लिखा हुआ है तो समराइज़ करके इसका भी बहुत अच्छा सा हो जाता है। और इसका अगर आप कर लें तो मुश्किल होगी शुरू में थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं थोड़ी सी, लेकिन बाद में ये ज़्यादा फ़ायदा देगी। लेकिन अगर आप जो है वो बेडसाइड के साथ जाना चाहें तो बेडसाइड भी बहुत 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 अच्छी बुक है। और मैकलॉट्स में भी अगर एडल्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो जो सारा एग्जामिनेशन दिए गए हैं, लेकिन एंड पे चिल्ड्रन के जो एग्जामिनेशन मेथड्स हैं डिफरेंट और वो सारा है उसको भी अलग से चिल्ड्रन के सेक्शन के अंदर, ये देखें बेबीज़ एंड चिल्ड्रन इनके सेक्शन के अंदर अलग से दिया गया। इसका एक और ये प्लस पॉइंट है कि इसके अंदर मैकलॉट्स के अंदर और डिफरेंट सिनेरियोस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लाइक फेयरली एल्डरली के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताया गया, फेब्राइल एडल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एनेस्थीजिया एंड सेडेशन, क्रिटिकल एल और इन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप यू इंटरेस्टिंग टू नो इट और क्लिनिकली आप अगर इन चीज़ों को इस आस्पेक्ट से देखना चाहते हैं तो आप ये देख लें, लेकिन ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारा इसके अंदर CVS है, रेस्पिरेटरी है, गैस्ट्रो है, गैस्ट्रो में एब्डोमिनल आ जाएगा, और रीनल सिस्टम इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं होता, इसमें सिर्फ किडनीज पल्पेशन ज़्यादातर ही आती है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी इतना नहीं, नर्वस सिस्टम है और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है, ये वाले सिस्टम्स बस आपने करने होते हैं। और लेदर से पीडियाट्रिक्स का देखने के लिए आप ये वाला सेक्शन देख सकते हैं। और ये थी दो बुक्स का ओवरव्यू, बेडसाइड एंड मैकलॉट्स।
तो जो आपको इनमें से बेहतर लगे, जो आपको पढ़ना चाहें आसानी से और जिसे आपको लगे कि मुझे इससे बेहतर रिटेन रहेगा, तो आप उनसे कर लें। और जिस बुक को भी आप अच्छे से करेंगे, बात यह है कि अच्छे से करना है, अच्छे से जिसको भी आप करेंगे तो वो रिटेन रहेगा और वो हेल्पफुल रहेगा इंशाल्लाह। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, और इफ़ यू फाइंड इट बेनिफिशियल देन डू शेयर विद अदर्स। थैंक यू।